नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। जैसा कि हम पहले वीडियो में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था MySQLi के बारे में, इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपना लिमिट यूज़ करते हैं जब MySQL क्यूरी करते हैं, डाटाबेस से वैल्यू फेच करते हैं उस टाइम, और कैसे हम ऑर्डर का यूज़ करते हैं। आज मैं आपको ज्वाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम डाटाबेस से जब डाटा गेट करते हैं तो ज्वाइन का यूज़ करते हैं। बेसिकली सबसे पहली पॉइंट ये है कि ज्वाइन होता क्या है। ज्वाइन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे कि हम अगर हमारे पास डाटाबेस में मोर देन वन टेबल है, जैसे कि हमारा जो डाटाबेस हम यूज़ कर रहे थे उसमें पहले हमारा क्या था, एक एम्प्लॉय टेबल था जिसमें हमारा सारे रिकॉर्ड थे, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये चार पॉइंट्स हमारे थे यहाँ। अब इससे रिलेटेड मैंने इसका एक और इसमें टेबल बनाया मैंने, जिसमें इस यूजर से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उसका एड्रेस, डिपार्टमेंट और यूजर आईडी। यूजर आईडी आप देख सकते हैं, यूजर आईडी वही आईडी है जो कि हमारा एम्प्लॉय की आईडी है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि आपको इस ज्वाइन समझना है तो उसके पहले आपको प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, एम्प्लॉय टेबल की जो आईडी है एज ए प्राइमरी की वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये आईडी जो कि एम्प्लॉय टेबल में है वो एज ए प्रेफरेंस आईडी काम करेगी हमारे एम्प्लॉय के टेबल में। एम्प्लॉय के टेबल में एज ए रेफरेंस आईडी काम कर रही है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो इस आईडी के बेसिस पे ही हम दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन का बेसिकली पर्पज़ यह है कि मोर देन वन टेबल, अगर आपके पास मल्टीपल टेबल हैं और मल्टीपल टेबल से डाटा एक क्यूरी के थ्रू अगर डाटा गेट करना है, ऐसे मल्टीपल टेबल है, अगर डाटा गेट करने बैठेंगे तो हम मोर से एक क्यूरी हमें इस टेबल से डाटा गेट करने के लिए लगानी पड़ेगी, दूसरी क्यूरी हमें इस टेबल से डाटा करने के लिए लगानी पड़ेगी। तो ऐसे करते करते अगर आपके पास 10 टेबल है तो आपको 10 क्यूरी लिखनी पड़ती है। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ क्यूरी हमारे स्टेटमेंट होंगे, जिससे कि हमारे जो डाटा को गेट करने की स्पीड होगी उसमें भी प्रॉब्लम होगी और हमें भी प्रॉब्लम होगी इस चीज़ को समझने में कि कौन से क्यूरी से कहाँ डाटा आ रहा है, मतलब मैनेज करने में भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसी इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए और स्पीड को मेंटेन करने के लिए ज्वाइन का यूज करते हैं। ज्वाइन जिसमें ज्वाइन का क्या करता है कि ज्वाइन एक क्यूरी में ही, सिंगल क्यूरी में ही जितने टेबल से आपको डाटा करना गेट करनी है सभी टेबलों से डाटा आप गेट कर सकते हैं, ओके। तो हम देखते हैं कि ज्वाइन हम कैसे यूज करते हैं इसमें टेबल में, ठीक है। देख रहे हैं आपने, पहले हमने पढ़ा था ऑर्डर और लिमिट के बारे में, तो आज हम ज्वाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम एक नया फाइल बनाएंगे जिसको कि ज्वाइन के नाम से सेव करेंगे। अब कुछ चीज़ें जो है हम प्रीवियस वाले से कॉपी करते हैं, जैसे हमारा डाटाबेस कनेक्शन जो कि हर समय सेम ही है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम बंद कर देते हैं टैग। यहाँ पे जैसा आपको पहले बता रखा है, होस्ट हमारा, चूँकि हम लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं तो लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट, पासवर्ड ब्लैंक और डाटाबेस ट्यूटोरियल्स हैं। इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग हुआ है जिसमें MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन का यूज करते हैं कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, और इसमें यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि कनेक्शन हुआ है या नहीं, अगर कंप्लीट है तो ठीक है, अगर अगर कोई एरर आती है तो हमें ये मैसेज शो हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे, हम ज्वाइन का यूज कैसे करते हैं। क्यूरी फॉर ज्वाइनिंग टेबल, ये हमने कमेंट्स दे दिए। ज्वाइन में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, ज्वाइन में बस लिटिल बिट डिफरेंस है हमारा जैसे डाटा गेट करने के लिए, और बेसिकली ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, तो आप पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आराम से इजिली समझ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ क्यूरी, हमने वेरिएबल बनाया और नॉर्मली जो हम सेलेक्ट कमांड लिखते हैं उस क्यूरी को लिखते हैं, पहले क्या होता है
जैसे अगर हमारा एक टेबल से डाटा गेट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल। टेबल हमारा पहले क्या है, हमारे पास है एम्प्लॉय, तो उसके लिए हम लिखते हैं एम्प्लॉय। वेयर कंडीशन लगा देते हैं वेयर, क्योंकि पर्टिकुलर एक आईडी या के थ्रू एक आईडी की डाटा ज्ञात करना है आईडी, तो हम आईडी इक्वल टू सपोज मैंने वन लगा दी। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा एक स्पेसिफिक डाटा गेट होता है जो हमारा सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय टेबल में डाटा होता है, और जिसकी आईडी वन हो वो डाटा हमें मिल जाएगा। लेकिन अब हमें चाहिए कि वो यूजर जिसकी आईडी वन हो उसका एम्प्लॉय टेबल से डाटा चाहिए, साथ ही साथ जो उसका एम्प्लॉय मेटा में भी डाटा है, दूसरे टेबल में भी डाटा है, वो भी चाहिए, जैसे एड्रेस डिपार्टमेंट भी चाहिए, साथ ही साथ उसका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी फ़ोन नंबर के साथ। तो उसके लिए फिर अब यहाँ पे क्या होता है, ये नॉर्मल क्यूरी हमारी ये होती है, तो इसमें उस लिटिल भी डिफरेंस क्या हो जाता है, इसमें सेलेक्ट ऑल या फिर जो जो निकालना है वैल्यू उसके लिए फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अब यहीं पे आपको एक छोटा सा बस लिखना है ज्वाइन, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन दूसरी टेबल का नाम जो हमारा ज्वाइन कर रहे हैं ईएमपी मेटा, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ये तो ठीक है, नॉर्मल हो गया कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद ज्वाइन, पहला टेबल यहाँ हो गया, ज्वाइन किया दूसरे टेबल को। अब बात ये आ रहा है कि अब ज्वाइन किस बेसिस पे करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी की रेफरेंस की, रेफरेंस की क्या यूज, यही होता है कि जब हमें मोर देन वन डाटा से वैल्यू गेट करनी होती है तो रेफरेंस की ही एक ऐसा की होता है जिसके थ्रू हम कंपेयर कराते हैं दोनों बेस या दो या तीन चार जितने भी टेबल है उनके वैल्यू को। तो आप यहाँ देख रहे हो यूजर आईडी की जो वैल्यू हमारी यहाँ है वो इस टेबल में ई एम पी मेटा टेबल में एज ए रेफरेंस की काम कर रही है, मीन्स ये एक रेफरेंस प्रोवाइड करा रहा है मेन टेबल को, जो हमारा मेन टेबल की आईडी है वो प्राइमरी आईडी है, और इस प्राइमरी आईडी के डाटा को एक रेफरेंस दे रहा है कि ये जो डाटा आ रहा है वो हमारा ई एम पी मेटा के यूजर अंडरस्कोर आईडी से आएगा। ठीक है, इसके बिहाफ पे ही वो डाटा गेट करेगा। तो हम उसके लिए फिर, अब ये तो हो गया कि एम्प्लॉय ज्वाइन एम्प्लॉय, अब किस बेसिस पे, जैसा कि मैंने बताया बेसिस का मतलब ऑन, मतलब किस बेसिस के लिए हम यहाँ ऑन का यूज कर रहे हैं दोनों को कनेक्ट करने के लिए ऑन। अब दूसरा हो गया कि ऑन के लिए अब दो टेबल हैं तो दोनों की यूजर आईडी, अगर नॉर्मली हम अगर यूजर आईडी लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो क्यूरी समझ नहीं पाएगा किसकी आईडी को किसकी आईडी से कंपेयर करना है। तो पहले टेबल का नाम लिखते हैं, फिर डॉट का मतलब होता है ज्वाइन, आपने पीएचपी में पढ़ा होगा तो डॉट यूज करते हैं दो वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अब इसमें डालेंगे यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जो यूजर आईडी है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए इक्वल टू दूसरा हमारा ईएमपी मेटा, ईएमपी मेटा डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, अब क्या हुआ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, उसके बाद ज्वाइन का यूज करके हम दूसरे टेबल ज्वाइन का यूज किया, फिर हमने देखा दूसरे टेबल का नाम, मतलब इस टेबल के साथ साथ अब इस टेबल को इस टेबल के भी डाटा गेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किस बेसिस पे, कौन से बिहाफ पे होता है ना, अगर आप किसी कनेक्ट करो तो एक बिहाफ रिफरेंस तो चाहिए होता है। अगर जैसे सपोज अगर नॉर्मल लाइफ में हम बात करते हैं तो नॉर्मल लाइफ में होता है क्या है, अगर आप किसी को जानते हो, ठीक है, आपका फ्रेंड है, सपोज आपका फ्रेंड है, ठीक है,
अगर आप उसके वो आपको अपने फ्रेंड से मिलाता है और आप उसके फ्रेंड को जानने लगते हो या जानना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, किसका रिफरेंस, आप अपने फ्रेंड से ही पूछना पड़ेगा या उसी की मदद से ही आप अपने फ्रेंड के फ्रेंड से मिल सकते हो। तो इसमें आपका जो फ्रेंड हो गया वो एक रेफरेंस हो गया, मतलब इमीडिएटर कह सकते हैं, एक इमीडिएटर हो गया जो आपके तीसरे बंदे से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारा ये होता है, इसमें फर्स्ट टेबल हो गया मतलब फर्स्ट मतलब आप, और दूसरा टेबल हो गया मतलब फर्स्ट मतलब आप एम्प्लॉय अगर हो तो समझो कि आप, और एम्प्लॉय मेटा मतलब आपका फ्रेंड, ठीक है। दोनों आ गए, अब दोनों हैं, दोनों को कनेक्ट कर रहा है एक तीसरा बंदा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ तो होनी चाहिए ना कनेक्ट करने के लिए, कोई बंदा कॉमन होगा जो आपको भी जानता होगा और दूसरे बंदे को भी जानता होगा जो आज आपका फ्रेंड है कनेक्ट हुआ, तो उसके लिए वो कॉमन क्या चीज़ है, यूजर आईडी दोनों में, ठीक है। वहाँ जो चीज़ें, इसलिए यहाँ पे जो है ये दोनों आईडी, प्राइमरी आईडी रेफरेंस आईडी दोनों क्या है, कॉमन है दोनों टेबल में। तो हम क्या किए कि सिलेक्ट कर लिया मैंने एम्प्लॉय टेबल को, ज्वाइन कर दिया एम्प्लॉय मेटा से, लेकिन बेसिस क्या है, ऑन बिहाफ ऑन ऑन का यूज करके, किससे, एम्प्लॉय के अंडर जो यूजर आईडी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एम्प्लॉय मेटा के यूजर आईडी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो है, अगर हम वेयर कंडीशन नहीं लगाते हैं तो देखिए क्या डाटा आता है, वेयर कंडीशन लगा दिए तो स्पेसिफिक एक रो के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर वेयर डाटा नहीं लगाते हैं तो फिर क्या होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्यूरी में आते हैं, यहाँ पे हमने लिखा डॉलर, एक और वेरिएबल लिया है रिजल्ट, ठीक है, और इक्वल टू, फिर आपको पता है कि क्यूरी माई एसक्यूएल आई क्यूरी लिखना होता है, इसको अब इसको रन कराना है तो इसको रन एग्जीक्यूट कराने का फंक्शन हमारा माई एसक्यूएल आई में ये होता है। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या कनेक्शन ओपन करते हैं, तो इसके लिए कॉन कॉमा हमारी क्यूरी, क्यूरी की वैल्यू एंटर हो गई। अब आ गया कि इसको फैच करना है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले आर ओ डब्ल्यू रो इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर फैच, फैच एरे, ठीक है। फैच एरे में सीधे हमने अपना रिजल्ट पास करा दिया, दोस्तों। यहाँ आप देख रहे हो अब रिजल्ट आ गया हमारे पास रो में। अब इससे अगर मैं नॉर्मली प्रिंट कराएंगे तो हमारी क्या वैल्यू प्रिंट होगी, वो हमारी एक सिंगल वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि अगर मल्टीपल रिकॉर्ड है तो उनको प्रिंट कराने के लिए हमें एक लूप की जरूरत होती है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम इसके लिए जो है व्हाइल लूप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि व्हाइल लूप में हमेशा कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक वैल्यू प्रिंट होती है, जैसे ही फॉल्स होता है मतलब रिकॉर्ड जैसे ही खत्म हो जाता है वो फॉल्स होता है। अब इसमें देखते हैं हम, और वो हमने कर दिया, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, रो में हमारा सारा रिकॉर्ड आ गया, अब इसको हम प्रिंट कराते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट होती है। तो इसके लिए हम आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये इसमें देखिए एक ज्वाइन नाम का हमारा जो बनाया हमने वो आ गया फंक्शन, अब इसको प्रिंट कराया, इसमें एरर आ रही है माई स्कोर आई फैच एरर पैरामीटर माई स्कोर आई अंडर स्कोर रिजल्ट बुलियन 16, इसमें एक एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर है, इसमें हमने क्या किया है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन इसमें एरर कहाँ आ रहा है, एक सेकेंड, और जो आ रहा है वो 16 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे हमारा आ रहा है यहाँ माई एसक्यूएल आई
अंडरस्कोर फेच एरे कनेक्शन मिरर के आर मायस्कुल आई फेच एरे एस्पेक्ट्स वन पैरामीटर टू बी मायस्कुल अंडरस्कोर बुलियन गिवन इन सोलर। ओके मतलब जो मिरर है हाँ हमारे क्यूरी मिरर आ रही है और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेकेंड टेबल में आते हैं। शायद कुछ गलत हो रहा है। ई एम पी मेटा डैश यूजर अंडर स्कोर आई डी यूजर अंडर स्कोर आई डी ठीक है। एम्प्लॉय ई एम पी एल ओ आई डब्ल्यू ओके गलती ये हो रही है। यहाँ पे हमने सिर्फ आईडी लिखा है और यहाँ पे मैंने जो डिफाइन किया है इसमें यूजर अंडरस्कोर आईडी कर दिया है इसलिए ये एरर आ रही है। इससे छोटी छोटी एरर हो जाती है कोई इसके लिए जरूरत नहीं है और हमें ध्यान से देखना पड़ेगा जब हम डाटा के। अब यहाँ देख रहे हैं सारा डाटा आ गया है। अब इसको और अच्छे से प्रिंट कराने के लिए मैं आपको इको जैसा कि मैंने आपको पहले बताया प्री टैग का यूज करते हैं जिससे एरे की जो फॉर्मेटिंग होती है वो एक अच्छी ढंग से हो जाती है और उसका लुक भी थोड़ा अच्छा हो जाता है देखने में थोड़ा अच्छा दिखता है और सुटेबल होता है आपको रीड करने के लिए भी रीड करने में भी आरामदायक होता है। तो उसके लिए हमने प्री लगाया और रिफ्रेश करते हैं पेज को। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप आईडी भी आ रही है फर्स्ट नेम आ रहा है लास्ट नेम आ रहा है ईमेल आईडी आ रहा है फ़ोन नंबर आ रहा है ये चार तो हैं ही। और अच्छे से आपको टेबल में दिखाते हैं ये चार तो हमारा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और फ़ोन नंबर। यहाँ आपको रिजल्ट में देख रहा होगा फर्स्ट नेम आ रहा है लास्ट नेम आ रहा है ईमेल आ रहा है फ़ोन नंबर आ रहा है ठीक है। ये तो है फर्स्ट टेबल का डाटा फर्स्ट टेबल का डाटा आ रहा है। अब जहाँ हमने ज्वाइन कराया है मतलब कि दूसरे टेबल को भी डाटा गेट करना था इसलिए हमने ज्वाइन का यूज़ किया था। तो एड्रेस डिपार्टमेंट और यूजर अंडर स्कोर आई डी यहाँ पे देखिए अब एड्रेस भी आ रहा है डिपार्टमेंट भी आ रहा है और यूजर अंडर स्कोर आई डी भी आ रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने ज्वाइन का यूज किया है ज्वाइन यूज करने से हमारे दोनों टेबल का डाटा आ गया। अब ये चीज़ें इसको और अच्छे से प्रिंट इसको अच्छे से करने के लिए अब जैसे कि इसमें क्या है काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कि 0 1 2 3 1 सारे चीज़ें आ गए हैं क्योंकि हमने यहाँ कोई स्पेसिफाई नहीं किया है टेबल का कॉलम। अगर हम कॉलम स्पेसिफाई कर दें या फिर हम इस क्यूरी को ही थोड़ा चेंज कर लें एसोसिएट क्यूरी कर देते हैं तो इससे क्या होगा सिर्फ पैरामीटर्स ही आएंगे 0 1 2 के फॉर्मेट में जो डाटा आ रहा है नहीं आ रहा। रिफ्रेश करते हैं अब इसमें देखिए अब सिर्फ वही वैल्यू आ रहे हैं जो पैरामीटर से रिलेटेड आईडी आपको मैंने बता रखा है एसोसिएट एरे और रो में क्या डिफरेंस है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था ठीक है। अब इसमें क्या है आईडी है फर्स्ट नेम आ गया लास्ट नेम आ गया आपका ईमेल आ गया फ़ोन नंबर आ गया एड्रेस आ गया डिपार्टमेंट आ गया और यूजर आईडी आ गया। इस तरह से दोस्तों हम ज्वाइन का यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम कंडीशन भी दे सकते हैं पर्टिकुलर अगर किसी एक बंदे की डाटा गेट करनी है जैसे अगर मुझे पर्टिकुलर एक बंदे का डाटा चाहिए आईडी ठीक है इक्वल टू मान लीजिए 1 चाहिए सिर्फ उसका दोनों टेबल से डाटा चाहिए जिसकी आईडी 1 हो। अगर हम लगाते हैं और फिर रन कराते हैं क्यूरी तो एक सेकेंड कुछ इधर आ रहा है वेयर सॉरी अब यह है कि आईडी किसका ज्ञात करेगा इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें ये पूरा रेफरेंस देना पड़ता है ये कन्फ्यूज हो जाता है कि आईडी क्या है तो हमें इसके लिए रेफरेंस देना पड़ता है प्रॉपर तो इसलिए डाटा इशू। अब देखिए आ गया ये सारा डाटा तो हम जिस यूजर के लिए हम कर रहे हैं एम्प्लॉय टेबल में जिसकी आईडी 1 है उस टेबल का डाटा जो दोनों में मैच करता है जिस पे मैच कराया हमने
और दो टेबल को ज्वाइन कराया। यही होता है दोस्तों कि कंडीशन को समझना पड़ेगा आपको कि किस तरह से आपको कंडीशन लगाना है। और इसमें अब आपको मैं फिर से बता देता हूँ, सेलेक्ट ऑल हमने लगाया था तो सारे रिकॉर्ड हमें गेट करने थे। अगर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड करने गेट करने होते हैं तो हम फिर पहले टेबल का नाम और डॉट जैसे हम यहाँ लगा रहे हैं उसकी जो वैल्यू फील्ड की वैल्यू या कॉलम की वैल्यू जो होती है वो लिखते हैं, कॉमा फिर दूसरे की है तो दूसरे के तीसरे तीसरे ऐसे करके हमको गेट करना पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। जैसे मैं आया एम्प्लॉय, मुझे सारे डाटा नहीं चाहिए, हमें कुछ स्पेसिफिक डाटा चाहिए। जैसे यहाँ सारा ना करके हमें एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय की हमें फर्स्ट नेम चाहिए था, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम हमें चाहिए था। उसके बाद चाहिए था मान लीजिए ईमेल आईडी, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एम्प्लॉय डॉट ईमेल, ठीक है, कॉमा। अब इसमें से मुझे अब दूसरे टेबल से डाटा चाहिए, एम्प्लॉय मेरा चाहिए था दो डाटा, उसकी एड्रेस और डिपार्टमेंट आईडी। तो फिर हम क्या लिखते हैं, एम्प्लॉय मेटा फिर एड्रेस, ठीक है, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर एम्प्लॉय मेटा डॉट दूसरी चीज़ में क्या चाहिए उसकी, डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट कॉलम हमने क्या लिखा, एक बार डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट ये, यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट दिया। अब इसमें करेंगे तो हमें स्पेसिफिक डाटा ही मिलेगा, जो चीज़ जितना डिफाइन किया इसमें, जैसे आईडी मिल रहा था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी था, फ़ोन नंबर भी था, यूजर आईडी भी था। अब करेंगे तो हमें वो नहीं मिलेंगे, अब हमें वही मिलेंगे जो डाटा हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, या जो डाटा को हमें गेट करना है सिर्फ वही डाटा हमें मिल रहा है। इस तरह से हम इसके वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फ्रॉम मतलब कि कहाँ से, एम्प्लॉय वन और एम्प्लॉय मेटा से, इन दोनों को ज्वाइन करके हम कनेक्ट कर दिए इन दोनों को। और किस बेसिस पे कनेक्शन किया, ऑन लगा के हमने बेसिस डिफाइन कर दिया एम्प्लॉय डॉट आईडी और एम्प्लॉय मेटा डॉट यूजर आईडी पे, इससे कनेक्शन हो रहा था, इससे सारा टेबल है। लेकिन अब क्या चाहिए, मुझे सारा नहीं चाहिए, अब कोई स्पेसिफिक चाहिए, तो उसके लिए हम फिर वेयर कंडीशन में किस टेबल से चाहिए, किस टेबल के मतलब कंपेयर के लिए कोई तो कोई एक रेफरेंस चाहिए ना, तो एम्प्लॉय के अंदर जो आईडी है उसकी आईडी हमने वन कर दिया, तो ये हमारा रेफरेंस का काम किया और हमें डाटा पर्टिकुलर एक का प्रिंट हो गया। या फिर अगर हम वन की जगह टू करें, तब आते हैं रिफ्रेश करते हैं, गायब हो गया, एक भी डाटा नहीं दिया। देखते हैं थ्री करते हैं, डाटा के आपने देखा दोस्तों, दो का डाटा आपका नाम है, अगर आप टू आपने किया तो इसका डाटा नहीं आया, अगर आप इसको टू करके रिफ्रेश करते हैं तो इसका डाटा आना है। रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एम्प्लॉय के टेबल में तो 1 2 3 4 सारे रिकॉर्ड है, बट ईएमपी मेटा में सिर्फ हमारे यूजर 1 3 4 का है, 2 का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जो हमारा कंडीशन लगा हुआ है कि डाटा तभी गेट हो जब बेसिस कम हो, जैसे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय मेटा यूजर अंडरस्कोर आईडी दोनों मैच करने चाहिए, जबकि हमारे टेबल में 2 नंबर का कोई है ही नहीं रिकॉर्ड, तो मैच नहीं कर रहा, तो इससे क्या हमें ब्लैंक डाटा, कोई डाटा ही शो नहीं हुआ। अब लेकिन अब आपका होगा कि 2 नंबर में एम्प्लॉय टेबल में तो डाटा है, एम्प्लॉय मेटा में डाटा नहीं है, बट एम्प्लॉय में तो डाटा है, ये तो शो होना चाहिए। तो ये इसके लिए हमारा लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन जो हमारा होता है उसको यूज करते हैं। अभी ये नॉर्मल ज्वाइन है मैंने बताया आपको, तो अभी आप इस ज्वाइन को यूज करके आप इसके बारे में प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर आपको कोई क्यूरी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा जितनी जल्दी से हो सके जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको होप ये वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर भी सकते हैं, जिससे आपको हमारा कभी भी कोई नेक्स्ट वीडियो आता है तो आपको पता चल जाएगा सब्सक्राइब करने पे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन आए तो उसके लिए बेल आइकन होते हैं यूट्यूब पे, उस पर भी क्लिक करके आप हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं जब भी हमारा नया वीडियो आएगा, जब भी इस टॉपिक से या नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आएगा वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है।
नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके भी हमसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।